हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी हाउस प्रॉपर्टी का हम लोग 10 माह का चिल्लर सम कर रहे हैं, पर ये चिल्लर नहीं है, खतरनाक है, क्योंकि इसमें स्टैंडर्ड रेंट दिया है। जब भी स्टैंडर्ड रेंट दिया ना, तो एकदम अपने आपको एकदम ध्यान देने का, ठीक है? क्या देने का? ध्यान देने का। तो ये ना आपका ना बच्चे लोग, ये फॉर्मेट है ना, तो पहले ना ये दो लाइन लिखने का, बोलो फेयर क्या है, फेयर, फिर म्यूनिसिपल वैल्यूएशन, फेयर रेंट और पहले दो नाम याद कर लो बस, फेयर रेंट और एसओपी। बोले तो खुद ले रहा है, लेट आउट बोले तो भाड़े पे दिया। तो जो दिख रहा है एसओपी दिख रहा है आपको, तो अपने को तीन घर सॉल्व करने का। तो एसओपी को सॉल्व नहीं करने का, एसओपी का डायरेक्ट डिडक्शन आएगा। एसओपी का क्या आएगा, इधर देखो ना, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल बोला है, और एसओपी का डिडक्शन का लिमिट कितना है, 2 लाख। एसओपी का लिमिट कितना है, 2 लाख। बंटी ने कितना भरा है, जोन्स है ना, प्रियंका का हस्बैंड, 2 लाख 20 भरा है, कितना है, 2 लाख 20। तो लिमिट कितना है, 2 लाख। मतलब दिख रहा है ये हाउस वन, ये सिर्फ डिडक्शन आएगा, कितना आएगा, डिडक्शन। तो कितना डिडक्शन लिखे हम लोग, 2 लाख। कितना लिखेंगे, 2 लाख। और उसको ब्रैकेट में लिखेंगे, किसमें लिखेंगे, ब्रैकेट। मतलब ये हाउस वन सॉल्व हो गया। हाउस वन को मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ किधर आएगा, डिडक्शन आएगा। मजा किधर आएगा, अभी लेट आउट। अब सीख रहे तुम लोग, सबसे पहले क्या लिखेगा मेरे भाई, और म्यूनिसिपल वैल्यूएशन। तो फेयर रेंट देख कितना दिया लेट आउट का दोस्त, 16,000 पर मंथ। तो पर मंथ बोले तो अपन क्या करेंगे, 16,000 को इंटू 12 किया तो 1,92,000। इधर कितना लिखा मैं, 1,92,000 कितना लिखा। और म्युनिसिपल वैल्यूएशन कितना दिया है, 2,15,000। म्युनिसिपल वैल्यूएशन 2,15,000 लिखा, 2,15,000 कुट आउट है तक। अभी दोनों में क्या उठाएगा, बड़ा बाबू उठाएगा। बड़ा बाबू कौन है दोनों में, 2,15,000 हायर वैल्यू उठाया, क्या उठाया, हायर, हायर ऑफ ए और बी, हायर ऑफ ए और बी, कुट आउट है नहीं। अब स्टैंडर्ड रेंट लिखेगा, अब क्या लिखेगा, स्टैंडर्ड रेंट। तो स्टैंडर्ड रेंट देख इधर दिया है 2,40,000, तो स्टैंडर्ड रेंट लिखा 2,40,000। जब भी स्टैंडर्ड रेंट आया, जब भी Standard. बड़ा बाबू के बाद छोटा बाबू लेगा, क्या लेगा, छोटा बाबू, याद रहेगा। तो इन दोनों में छोटा कौन है मेरे भाई, 2,15,000। वेरी गुड। स्टैंडर्ड रेंट आया तो क्या लेने का, छोटा लेने का। फिर एक्चुअल रेंट क्या लेगा, एक्चुअल रेंट रिसीव, मतलब उसको कितना भाड़ा मिला, वो दिया है थर्ड नंबर पे। कितना भाड़ा मिला, 2,07,000 पर मंथ की, पर एनम, मतलब कुछ छेड़ना नहीं है, 2,16,000। अब एक्चुअल रेंट है ना, अब दोनों में बड़ा उठाएगा, पहले बड़ा उठाया, फिर छोटा, फिर बड़ा, बड़ा छोटा बड़ा, तो बीच में क्या आएगा, स्टैंडर्ड रेंट। एक्चुअल रेंट कितना मिला, 2,16,000। दोनों में बड़ा कौन है दोस्त, 2,16,000। इसको बोलेंगे गाव, क्या बोलेंगे, गाव बोले तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, कुट आउट है। फिर इसमें से क्या माइनस करेंगे, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर, टेनेंट ने बढ़ा रहेगा तो उसको लेंगे नहीं। तो इधर म्युनिसिपल टैक्स पेड दिया है 5%, कितना परसेंट, किसका 5%, गांव का, मतलब ग्रॉस एनुअल वैल्यू। पर इधर इन्फॉर्मेशन क्या वाला, जो म्युनिसिपल टैक्स पेड ऑन हाउस टू, बोले तो ये घर, ये घर का म्युनिसिपल टैक्स कौन पे किया, टेनेंट, टेनेंट बोले तो भाड़ोत्री, अपन को किसका टैक्स लेने का, ओनर का, तो इधर नहीं आएगा, क्या मारेंगे, डैश। तो ये सेम अमाउंट नीचे लिखेगा, उसको बोलेंगे नाउ, क्या बोलेंगे, नाउ बोले तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू, क्या बोलेंगे, नेट एनुअल वैल्यू, नाउ बोले तो नेट एनुअल वैल्यू, गांव का बोलेंगे ग्रॉस, गांव का क्या बोलेंगे, ग्रॉस। अब इधर क्या हो गया, नेट, क्या हो गया, नेट। अभी ना अपन क्या कर रहे हैं, हाउस प्रॉपर्टी, तो हाउस प्रॉपर्टी में स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना परसेंट है, 30%, तो इसके ऊपर कितना परसेंट निकालेगा, 30%। तो 2,16,000 पे कितना परसेंट, 30%, 2,30,000 कितना है, 64,800। डिडक्शन बोले तो क्या आएगा, माइनस, और एक डिडक्शन इधर दिया ना, पढ़ो, इंटरेस्ट ऑन लोन बोरोड, लेट आउट हाउस टू, कितना दिया है दोस्त, 1,00,000। कितना दिया है, 1,00,000, है ना। तो 2,16,000 में से दोनों क्या करेंगे, माइनस, जी 2,16,000 है, माइनस करेंगे 64,800, और माइनस करेंगे 1,00,000, तो कितना आया, 51,200, 51,200 किसका आया है, हाउस टू का। अब इसको सॉल्व करेगा तो 2,00,000 नेगेटिव है ना भाई, ये हाउस वन तो नेगेटिव है ना, नेगेटिव। अभी किसकी बारी, हाउस थ्री, तो आ जाओ फिर से, पहले क्या लिखेगा, फिर तो फेयर रेंट कितना दिया है, 26,000 पर मंथ, कितना दिया है, 26,000 पर मंथ, फेयर रेंट 26,000। तो अपन कैसे सॉल्व करेंगे, 26 को इंटू क्या किया, 12 किया, 3,12,000। म्युनिसिपल वैल्यूएशन कितना दिया है, म्युनिसिपल वैल्यूएशन 23,000 पर, नहीं नहीं 2,50,000 है भाई, ठीक ना, म्युनिसिपल वैल्यूएशन 2,50,000। अब भाई 26 के बाद 23 को देखेंगे ना, अरे ये नाम पढ़ना बंटी, कितना है, 2,50,000। अभी दोनों में कौन सा उठाएगा, पहला छोटा के बड़ा, वेरी गुड। तो कितना है, 3,12,000। अभी स्टैंडर्ड रेंट कितना दिया, 288,000। अब दोनों में क्या उठाएगा, छोटा, दोनों में क्या उठाएगा, छोटा, 288,000। एक्चुअल रेंट कितना मिला उसको, देख
23,000 पर मंथ, पर मंथ 276 कितना हो गया 276। अभी दोनों में क्या उठाएगा, बड़ा क्या उठाएगा, बड़ा पहले बड़ा फिर छोटा फिर बड़ा, तो बड़ा कौन है दोस्त 288। उसको क्या बोलेंगे गांव, क्या बोलेंगे गांव, बोले तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू, तो उसमें से क्या माइनस करेगा म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर। इधर दिया है देख कितना टैक्स पेड किया हमने, क्या 5% कितना परसेंट, किसका 5% गांव का, गांव बोले तो 288, 288 का कितना परसेंट निकालेगा 5%, तो कितना है 13,800, कितना है 13,800, मतलब इसके ऊपर ही 5% निकाल लेगा। इधर क्यों नहीं निकाला, क्योंकि इधर टैक्स कौन पे किया था, टेनेंट ने, टेनेंट, जिस पे 5% निकाला तो कितना है 13,800, माइनस करूँ कितना है दोस्त, एक मिनट 274,200 है ना। फिर क्या कर रहे हैं हम लोग, डिडक्शन लेंगे ना, तो हाउस प्रॉपर्टी में डिडक्शन कितना परसेंट आएगा 30, तो इस पे 30% निकालेगा, तो 30% कितना दिया है 82,260। और क्या डिडक्शन आएगा मालूम है क्या, और एक आएगा इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, वो इधर दिया क्वेश्चन में, कितना है 166। अभी दोनों में ये क्या करेगा, 274,200 में से 82,260 क्या करेगा माइनस करेगा, और 166 भी क्या करेगा माइनस करेगा, तो अपने को आंसर मिला 25,940, 25,940। तो हाउस टू से कितना पैसा मिला अपने को 51,200, हाउस थ्री से कितना मिला 25,940, ये दोनों क्या है प्लस, ये दोनों क्या है प्लस, और हाउस वन क्या है माइनस, ये दोनों को ऐड करेगा और 2,00,000 से क्या करेगा माइनस करेगा, तो ये तेरा जो फाइनल अमाउंट आएगा ना, ये क्या आएगा फाइनल अमाउंट 1,23,280। ये तेरा लॉस हो गया, क्या हो गया लॉस, क्योंकि इधर से कमाया, इधर से कमाया, पर ये तो डिडक्शन है ना 2,00,000, तो दोनों में से क्या करेगा माइनस करेगा, तो ये लॉस है, क्या ये लॉस, मतलब इसको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा थोड़ा सम घुमा फिरा क्या था, तो नया वर्ड क्या दिया था स्टैंडर्ड रेंट, क्या दिया था स्टैंडर्ड रेंट दिया, तो क्या रहने? पहले फेयर रेंट और म्यूनसिपल वैल्यूएशन लेने का, तो उसमें क्या उठाने का बड़ा स्टैंडर्ड रेंट, और इसमें क्या उठाने का छोटा, फिर वापस से क्या उठाने का बड़ा, ये फॉर्मेट याद कर देने का, और कुछ नहीं था, ठीक है।